और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश के पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। भीड़ ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ भी देखी गई है। तो प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और इसी के साथ घुसपैठ भी की है, वहां तोड़फोड़ भी की गई है। और थोड़ी देर बाद सेना चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान देश को संबोधित भी कर सकते हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश पर सेना ने पूरी तरीके से अधिकार कर लिया है। शेख हसीना के भारत आने की खबर भी है सूत्रों के हवाले से, लेकिन ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रदर्शनकारियों ने घुसपैठ कर दी है अंदर। और ऐसे ही हालात पहले भी बने थे, आपने देखा कि श्रीलंका में भी इसी तरीके से हालात बने, और अब ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये पूरी तरीके से वही पिक्चर याद दिलाती है जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, जहां प्रदर्शनकारी घुस गए थे। और इसी तरीके से बांग्लादेश में भी प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुस गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह उनके द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। देशव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, लेकिन उसको दरकिनार करके सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हुए। तो इस वक्त जो खबर बांग्लादेश से आ रही है, उस पर पूरे इस वक्त दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का जो एक स्टैच्यू बनी हुई है, उस पर उसको भी एक तरह से घेर लिया है प्रदर्शनकारियों ने, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना जो कि चौथी बार सत्ता पे तो आई, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन की आग फैली और उसके बाद उन्हें वहां से देश छोड़कर निकलना पड़ा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शेख हसीना इस वक्त कहां जाएंगी, उनके भारत आने की भी खबरें आ रही हैं। वो थोड़ी देर बाद खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां की जो स्थिति है, वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, उसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जैसा मीनाक्षी बता रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हालात हैं, उस शाम 4:30 बजे का समय आ गया है, शाम 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे बांग्लादेश में हालात क्या हैं। और इस वक्त वहां जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए, उन पर काबू करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक बार न्यूज रूम चलेंगे। मृदुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, तस्वीरें हम लगातार बांग्लादेश की दिखा रहे हैं पिछले कई दिनों से। मैंने जैसा कहा कि एडवाइजरीज जारी की गई भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी, कि वहां पर अगर आप हैं तो विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहें, क्योंकि हालात इस तरह के हो सकते हैं, ये ऐसे आंकलन लगाया जा रहा था। इस वक्त वहां से और क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 पे होगी, 4:30 बजे होगी, लेकिन शेख हसीना कहां है, इसे लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही है। बिल्कुल, देखिए जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वहां के मीडिया के हवाले से, अखबारों के हवाले से, वो यही बता रही है कि शेख हसीना भारत आ सकती है। ये 2-3 अखबार और मीडिया चैनल्स दावा कर रहे हैं सुचरिता। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर भारत आती है तो अलग इसके पैमाने होंगे, फिर अलग तरह से इस तस्वीर को देखा जाएगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, अगर वो भारत आती है, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही हैं, तो कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? बख्शी सर, देखिए शेख हसीना भारत की बहुत घनिष्ठ मित्र थी, जब तक वो वहां गद्दी में थी उन्होंने बहुत भारत के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। उनकी जो है सरकार खतरे में थी, अमेरिकन उनको धमकियां दे रहे थे कि वो उनको हटवा देंगे, वो इनसे बेस मांग रहे थे, उन्होंने बिल्कुल देने से मना कर दिया। तो उनके खिलाफ ऑर्केस्ट्रेट की गई है ये स्टूडेंट्स मूवमेंट, जिसमें कि जो मुक्ति योद्धा थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से जंग करी थी, वहाँ के रजाकार जो कि कत्लोगारत में साथ दे रहे थे पाकिस्तान की फौज का, और कोई वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं 3 मिलियन बांग्लादेशी को जान से मार डाला था, 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतें रेप हुई थी और 10 मिलियन भारत में रिफ्यूजी धकेल दिए गए थे। उस वक्त मुक्ति वाहिनी लड़ी थी, तो वो उनके बच्चों को रिजर्वेशन देना चाहती थी, जिसको मुद्दा बनाकर उनकी सरकार को ओवरथ्रो करने की बिल्कुल कोशिश है, शरेआम कोशिश है। थैंक गॉड कि वो बच गई हैं। पक्की है रिपब्लिक भारत ये खबर को बता रहा है कि अगर तला पहुंची है शेख हसीना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उन पर पूर्ण विराम लग गया है और शेख हसीना भारत पहुंच गई है। अगर तला पहुंच
पहुंची हुई है ये जानकारी मिल रही है। अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर और ऐश्वर्य इस समय जो इस समय कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगरतला एटीसी ने रिपब्लिक को कंफर्म किया है कि एक मिलिट्री चॉपर बांग्लादेश आर्मी का एक मिलिट्री चॉपर अगरतला के एयरबेस पे लैंड किया है, उसको परमिशन दी गई है। ये कंफर्मेशन है हमारे पास एटीसी से कि बांग्लादेश आर्मी का हेलीकॉप्टर जिसमें बताया जा रहा है कि शेख हसीना है, उनके पहले विजुअल्स आएंगे तो हम आपको डबल कंफर्म विजुअली करेंगे, लेकिन अभी कंफर्मेशन आई है कि बांग्लादेशी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर अगरतला एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसकी कंफर्मेशन एटीसी से रिपब्लिक के पास। अमृतुल ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर ये कंफर्मेशन आ रहा है और सुचरिता और तमाम जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं अगर भारत आएंगे ये कहा जा रहा था सुचरिता, लेकिन भारत पहुंच गई है और ये बताया जा रहा है कि अगरतला आ गई है। सुचरिता बिल्कुल मृदुल जो आप बात बता रहे हैं अगरतला पहुंची है, जैसा ऐश्वर्या ने कहा कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर मिलिट्री चॉपर के टचडाउन की खबर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या शेख हसीना भारत आई हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे कंफर्मेशन का, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन भारत आने की जो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटीज उनकी हो सकती है, क्योंकि भारत के साथ शेख हसीना के रिश्ते पिछले कई सालों में काफी अच्छे रहे हैं और दोनों देशों ने मिलकर एक तरह से साझा कई कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और उसमें रक्षा क्षेत्र को लेकर भी। अब इसीलिए यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत का रुख कर सकती हैं। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना का मिलिट्री हेलीकॉप्टर अगरतला पहुंचा है। हम भारतीय सरकार के एक तरह से वर्जन का भी इंतजार करेंगे, लेकिन जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि अगरतला में शेख हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड किया है। अगर ऐसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा एक तरह से जो जिस तरह रिश्तों के आधार पर देखा जाए तो शेख हसीना के लिए भारत एक सुरक्षित जगह है और एक मित्र देश भी रहा है, इसीलिए अपने पड़ोसी देश की स्टेट हेड को एक तरह से वहां संरक्षण देना भारत ये कर सकता है, और इसीलिए उसका मैंने कहा कि औपचारिक एक बयान का इंतजार करना होगा। लेकिन जो खबरें अभी आ रही हैं वो ये कि ढाका से सीधे अगरतला शेख हसीना पहुंची हैं। तो जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो तस्वीरें, एक तरफ पीएम रेजिडेंस छोड़ते हुए शेख हसीना की तस्वीरें और दूसरी तरफ एक मिलिट्री चॉपर के आने की खबरें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह का उपद्रव और जिस तरह की हिंसा पूरे बांग्लादेश में मचाई है उसकी भी तस्वीरें स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। तो ये इस वक्त बांग्लादेश के हालात हैं और बांग्लादेश जैसा मैंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क में जो कुछ भी गतिविधि होती है, खासकर एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, एक राजनीतिक अस्थिरता होती है और मिलिट्री कू की हद तक बात चली जाती है तो उसका असर भारत पर पड़ना भी स्वाभाविक है। भारत बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति और इसीलिए मैंने कहा कि बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही थी। इस वक्त हालिया जो डेवलपमेंट हुआ है शेख हसीना के भारत आने का, ये खबर जो आ रही है, शेख हसीना जो इस्तीफा दे चुकी हैं, ये उनके पिता मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति वहां लगी हुई है, जो स्टैच्यू लगी हुई है उस तक भी पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी और देखिए कि किस तरह से उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस वक्त शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक उपद्रवियों ने का जो गुस्सा है, जिसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं सृष्टि, कई कारण उनके पीछे भी बताए जा रहे हैं कि क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक साजिश रही जो शेख हसीना की सरकार द्वारा बार बार कही भी जाती रही है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बार बार शेख हसीना ने इस बात को दोहराया है कि इस तरीके की साजिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, शेख हसीना के पिता की जो प्रतिमा है आप देखिए कि किस तरीके से उसे अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है तस्वीर के जरिए। तमाम जो उपद्रवी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है कि मूर्ति को तोड़ने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। तो